हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज हमारे पास आया हुआ है 3 वाट की एक एलईडी है, जो कि 220 से 240 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में ये काम करता है। और आप इसकी लुक देख सकते हैं दोस्तों, एक मेटालिक अल्मीनियम की मेटालिक बॉडी में इस टाइप की 3 LED आपको देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी तरह से यूज होते हैं, और कॉमनली ये जो यूज होते हैं, जो आपकी जो ड्रेसिंग टपुल होती हैं उसमें से ये लाइट लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आया है रिपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस तरह से इसको सोल्यूशन किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर में क्या ऐसे स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये काम करता है, वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो भी सामान आता है मैं कोशिश करता हूँ रिपेयर के साथ साथ आप सभी को खोल के भी दिखाऊँ कि इस टाइप की अंदर में किस टाइप की बनावट है, किस टाइप की LED लगी हुई है, कितनी वाट की लगी है, और इस टाइप की डिजाइन के साथ कैसे क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस टाइप की सॉकेट है, और यहाँ पे आपको 2 पिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक पिन टूटी हुई आपको देखने को मिल रही है। तो ये इसकी जो होल्डर है, होल्डर के बीच में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक इसकी जो पिन है इसके अंदर में फंसी हुई है, तो इसको भी हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फॉल्ट हमको देखने को मिल गया है, तो हम इसको ओपन करेंगे, फंसा हुआ है टूट के, इसीलिए ये नहीं ग्लो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी फॉल्ट तो यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन उसके बाद हम इसको सीरीज लैंप पे एक बार ज़रूर चेक करके देखेंगे कि सबसे पहले तो आप इसको सीरीज लैंप पे चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका AC लाइन में अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बीच में हीट में प्रॉब्लम होगा तो आपको नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग या कुछ जलने का भी चांस रहते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए सीरीज लैंप पे एक बार इसको चेक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से टूट गया है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे और इसकी होल्डर को भी देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं सीरीज लैंप पे। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज लैंप आ चुका है, और सीरीज लैंप पे इस तरह से ग्लो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहे हैं, तो हम इसको एक बार चेक करेंगे ज़रूर। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें LED में कोई भी हरकत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, लाइट ग्लो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं हो रही है। दूसरा रीज़न हो सकता है नहीं जलने का, तो वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये जलना चाहिए लेकिन ये नहीं जल रहा है। अब इसको होल्डर को भी हम चेक कर लेते हैं, एक हमारे पास एक साइड की कुछ पिन होनी चाहिए या सुई होनी चाहिए, इसको अंदर में ऐसे इंसर्ट कर देंगे और हम चेक करेंगे होल्डर को। तो यहाँ पे होल्डर बिल्कुल सही है एक तरफ, दूसरी तरफ भी हम इस तरह से चेक करेंगे फंसा के, तो होल्डर हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है इसलिए नहीं जल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे 3 स्क्रू है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसकी ऊपर की जो सिल्वर कैप निकल गई है, उसके बाद इसकी जो मेन जो चीज़ होती है फोकस का, इसलिए ये ग्लास लगाया रहता है। यहाँ पे 3 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 32 mm 3 LED यहाँ पे लिखा गया है, प्लस माइनस होके, और ये आपका 1 वाट का यहाँ पे लगभग 3 LED लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सीरीज में लगा है या पैरेलल लगा है, तो हम इसमें चेक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये किसी ने ओपन किया है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 स्क्रू गायब है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी पता कर सकते हैं कि आपके पास आने से पहले ये इसके साथ कुछ काम हुआ है या नहीं, इसमें आपको पता चल ही जाता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन होने का नाम नहीं ले रहा है, तो सर्किट इसके अंदर में है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी वायर यहाँ से अंदर से निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निकली हुई है, और इसमें थोड़ी सी डस्ट यहाँ पर हो चुकी है, इसको भी हम साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम पता चल गया कि ये जब टूटा है तो ये वायर भी इसके साथ निकल आया है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से सीरीज लैंप पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, और इसको चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सीरीज लैंप ओके है, इसको हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी लाइट सही से अभी काम करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा LED ग्लो कर रहा है आपके सामने में। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन इसके आ रहा है। ठीक है,
तो यानी कि ये किट हमारा बिल्कुल सही है। बाकी इसकी जो पिन टूटा हुआ था इसकी वजह से ये वायर इसमें निकल गया है और इसलिए ये नहीं जल रहा है। तो इससे पहले हम एक बार इसको खोले हैं तो इसको थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा दो प्रॉब्लम था, एक तो इसकी पिन टूटी हुई है जो कि हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे, दूसरा इसकी जो वायर है वो अंदर से निकली हुई थी इसी वजह से और ये नहीं चल रहा था। और एक चीज़ इसमें ये थोड़ा सा गर्म होकर ज़्यादा ये काला भी पड़ चुका है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लंबी इसको छील दिए हैं और इसके अंदर में आसानी से ये चला जाएगा और ये आसानी से सोल्डिंग भी हो जाएगा। तो ये वायर निकल गया है, उससे पहले हम इसको थोड़ी सी और घिसाव करके इसको क्लीन करेंगे। तो दोस्तों आपने देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटी सी चाइना किट यहाँ पे लगी हुई है। एक जो कैपेसिटर है वो है 50 वोल्ट माइक्रोफैराड की है, 400 वोल्ट 105 जे की ये पीएफ है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 मेगा ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। और ये लगभग आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस रहता है, 4 डायोड के हिसाब से ये बनाया जाता है और आप इसमें आसानी से मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका लगभग आपका वोल्टेज जो बन रहा है यहाँ पे 9 वोल्ट के आसपास यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि 1 वाट की LED इस टाइप की 9 वोल्ट में यहाँ पे आसानी से ग्रो करता है। तो 9 9 18, ठीक है, और ये 27, और ये 27 वोल्ट के यहाँ पे लगभग यहाँ पे काम करता है। तो चलिए दोस्तों इसको फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो गया है, ठीक है, ये पिन बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया है और इसके होल्डर के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार चेक करते हैं सीरीज लैंप पे, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज लैंप मेरा रेडी है और इसको देखते हैं ये लाइट ग्लो करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लाइट अच्छे से ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, ओके हो चुका है। ये थोड़ी सी साइड हो चुकी है, गर्म होते ही ये प्लास्टिक मेल्ट हो गया, तो ये थोड़ी सी साइड हो चुकी है। तो आप इसमें थोड़ी सी हटकी सी ग्लू लगा सकते हैं और ये वायर की कंडीशन भी आपका सही नहीं है, ये टूटने की कदार पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक सिरिंज चढ़ा देंगे जो कि ये इसको टाइट होके रहेगा। तो इसके अंदर में हम ग्लू को लगा सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। ऐसे करने से इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा। मार्केट में जितना आपको LED मिलेगा उसका, अगर ये LED का जो है डायमंड आपका नहीं रहेगा तो उसका फोकस नहीं बन पाएगा। आप जितना भी घर पे बना लीजिए, जब तक आप इसमें ये वाले ग्लास फोकस का जो ग्लास है नहीं लगाएंगे, तब तक आपका किसी भी जो टॉर्च आप कहीं पर भी बनाइए वो आपका सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। जो भी है इसी के वजह से ही आपका सब कुछ फोकस होता है। तो 3 स्क्रू है, तो 3 स्क्रू लगा लेते हैं। तो ये अच्छे से हो चुका है, तो यहाँ पे परफेक्टली ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें डायरेक्ट 220 का वोल्टेज देके देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कनेक्टर है जो कि हम हमेशा यूज करते हैं और ये सेफ भी है कुछ इस टाइप की, जो कि AC वाली सॉकेट रहती है और इसकी एक पॉइंट में आपको ये वाली प्लग देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट AC में लगा लीजिए, ऑन कीजिए और इसके अंदर में आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा। तो आपके सामने मैं आपको ग्लो करके दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी से ये ग्लो कर रहा है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, तो आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।